हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मल और मेरे पास एक सेट आया था सैमसंग का B350E। यह है मॉडल दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम यह था कि इसका जो बोर्ड था वो पूरा शॉर्ट था, पूरा बोर्ड, और जो बैटरी बैकअप है वो नहीं दे रहा था। 2 घंटे में चार्ज ख़त्म। ये वाला मॉडल, जो मॉडल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको कौन सा कैपेसिटर निकालना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले तो मैं नेटवर्क आईसी के पास जो कैपेसिटर था उसको मैं पहले निकाल दिया। इसको निकालने के बाद भी बोर्ड शॉर्ट मेरा नहीं गया। आपको पहले चेक करना है, उसके बाद रिमूव करना है, ओके। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर बैटरी लगाकर सेट को ऑन किया तो मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा गर्मी महसूस हुआ। गर्म हो रहा था। जब मैं इसको देखा यहाँ पर, आप जब मैं तो उसको अभी निकाल चुका हूँ, आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर बहुत सारा कैपेसिटर होगा और आपको एक मिलेगा, कॉइल मिलेगा, एक यहाँ पर कॉइल लगा होगा और एक रजिस्टर होगा। आपको वो रजिस्टर को और कॉइल को निकाल लेना है। उसकी वजह से ये इसका जो बोर्ड का भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, बोर्ड शॉर्ट होता है, बैटरी सेट चार्ज नहीं रखता है, ठीक है। वो रजिस्टर, ये कॉइल यहाँ पर शॉर्ट था। इस पॉइंट पर आपको चेक करना है, एक रजिस्टर होगा और एक कॉइल होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। सैमसंग का B350E मॉडल। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस साइट पर चेक करना है आपको, यहाँ पर। ओके दोस्तों, थैंक यू।